press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि नए कानूनों को लेके भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी मजहब के ठेकेदारों खासकर ओवैसी पे तगड़ा भड़क गई। तो इस वीडियो में आप देखेंगे नाजिया लाई खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई मैं जिस सनातन से थी, वहां शादी एक ही होती है, एक ही तरह की होती है, 7 जन्म के लिए होती है। और शादी का मतलब इस तरह से नहीं होता है जैसे ये मैं सुन रही हूँ आपसे। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ नया पता चलता है। और ये मुझे निकाह मुत्ता के बारे में मैंने सुना था, लेकिन इतने विस्तार से नहीं सुना था कि उसका मतलब क्या होता है। आप सोचो कि ये मसीहा मतलब कहीं यात्रा करने के वहां भी रह लिया शादी कर, मतलब कुरान में मर्दों की सहूलियत के लिए सब कुछ बनाया गया है, वो जिम्मेदारी से बचते रहे ये सब कुछ भी तय किया गया है, और महिलाओं के साथ कितनी अन्याय है मतलब सोचिए। नॉट कॉल्ड सहूलियत। इस्लाम के मजहबी किताब में मर्दों की अश्लीलता और सेक्सुअल डिजायर्स का काफी खासा ख्याल रखा गया है। या तो मार दो काट दो, और या तो फिर अश्लीलता, यही दो बातें हैं मजहब की किताब में। इसके अलावा तो अच्छी बातें हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी, पर बहुत कम है। मुझे सच बोलना बचपन से बहुत पसंद है, अच्छी बातें हैं, एडुकेशन की बातें हैं, इंसानियत की बातें हैं, पर बहुत कम है। या तो मार दो काट दो, और या तो फिर मर्दों के सेक्सुअल डिजायर्स का बहुत ज्यादा खासा ख्याल रखा गया है। अब आते हैं सही अल बुखारी 5080, जिसमें एक सहाबा कराम अल्लाह के मैसेंजर से पूछ रहे हैं, व्हेन यू गॉट मैरिड अल्लाह मैसेंजर सेड टू मी व्हाट टाइप ऑफ लेडी हैव यू मैरिड, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ही उम्र की एक औरत है। तब अल्लाह के मैसेंजर बताते हैं, व्हाई डिड यू मैरी अ यंग गर्ल so that you might play with her and she with you। छोटी बच्ची जिसकी आयत भी है, हद्दसना आदम हद्दसना शोबता हद्दसना महारब काला सहिता जिब्रे बिन अब्दुल्लाह है, जिसकी आयत भी है सही अल बुखारी 5080। मैं बार बार इसलिए बोल दे रही हूँ ताकि लोग टिप्पणियां ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं, इसके बाद फिर मैं तलाक पर बाद में आऊंगी, पहले वैरायटीज ऑफ निकाह। उसके बाद फिर है एक और टाइप का मैरिज है जिसको कहा जाता है ज़वाजुल मुत्तह। एक होता है जो मैंने बताया निकाह मुत्तह, जो हर महीने का खर्चा दे करके करना पड़ता है, निकाह मसियार बताया जो सफर के लिए होता है, ज़वाजुल मुत्तह जो घंटों के लिए होता है, कुछ लम्हे के लिए होता है, मतलब एक घंटा खारिज हो गए वो निकाह खत्म, 2 घंटे में खारिज हो गए वो निकाह खत्म। अब कोई मर्द अगर बहुत मजबूत है तो 4 घंटे में खारिज होगा, तो फिर वो खारिज हुआ निकाह खत्म, जिसको कहते हैं ज़वाजुल मुत्तह टेम्प्रेरी मैरिज। ठीक है, अब नॉर्मल हम लोग अपने आम जिंदगी में क्या सुनते रहते हैं, इन इस्लाम निकाह कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिवली बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, जो बार बार जोड़ा अवैसी भी बोलता रहता है कि भाई हमारी शादी हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने बहुत खूबसूरती से अपने अपने धर्म की बात बताई, आप बहुत खुशनसीब हैं। मेरे हिसाब से मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ, मेरे हिसाब से आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि आपको 10 मर्दों के बिस्तर का सामान ना बनना पड़ा है और ना बन सकती है, क्योंकि आपके धर्म की खूबसूरती यही है कि आप आई तो डोली पर है और जाएंगी अस्थि अर्थी पर। यही आपके धर्म की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, रियल एस्टेट बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे तबेला का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे गार्डन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, खेत का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी हमारे साथ हम वकील है, हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी किसी कंपनी के साथ। बिल्कुल, हम 1 साल तक आपके केसेस देखेंगे, और जब वो कंपनी चाहेगी और हम चाहेंगे एक दूसरे को छोड़ देंगे। अभी समझ में आ गई बात? तो उसी तरीके से निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी मर्द चाहेगा वो छोड़ देगा। जैसे मेरे साथ जब एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अब इतना दिन खान निकल सॉलिसिटर फॉर्म मेरा केस देखेगा, पर वो कंपनी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो
उस कॉन्ट्रैक्ट को आराम से खारिज कर सकता है, इसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं बोल सकती हूँ। उसी तरीके से निकाह भी है इस्लाम का, जो मर्द जब चाहे कुछ एक्सक्यूज रख करके उसको खारिज कर सकता है। अब उस एक्सक्यूजेस में ये भी आ जाता है कि बीवी मेरी अच्छा खाना नहीं बनाती है, नहीं बना रही है, बहुत देर से सुबह में उठती है, चिल्लाकर बात करती है, सेक्सुअली अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, मेरे माँ बाप को बहुत अच्छे से देखती नहीं है, धीरे धीरे बहुत मोटी हो गई है, धीरे धीरे सुंदरता खत्म हो गई है, तो ये सारी चीजें भी एक्सक्यूजेस में मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है निकाह का। जो वर्बल ऑन पेपर होता है, जो खाजी होते हैं वो लिखवा देते हैं। अब इसको किन किन चीजों से देखा जाता है, इसको मैं अलग अलग तरीके से बता देती हूँ। इसको अकदुल कुरान इस ऐसे भी कहा जाता है, अकतनामा भी कहा जाता है, और जवाज का मतलब शादी होता है, जो अरबी लोग बोलते हैं, जो मिडिल ईस्ट बोलता है कि आज हमारा जवाज है, मतलब वो शादी हुई, पर उसमें भी 12 निकाह जायज है। तो इसको अजरवाज भी कहा जाता है, और इसको तुर्किश में दोगुन भी कहा जाता है, इसको पर्शियन में अकतनामा भी कहा जाता है। तो मैंने हर लैंग्वेजेस में आपको बता दिया। अब आता है तलाक। तलाक भी समझना और जानना बहुत जरूरी सबके लिए। हमारा कुरान के हिसाब से एक था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो मैंने बंद करवाया, जिसके लिए गुहार लगा रही थी शाबानो सायरा बानो 1984 से 2017 तक। 2015 में मेरा पिटिशन गया था, 2017 में हिस्टोरिकल जजमेंट आया। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक क्या था कि हस्बैंड सऊदी अरबिया में फोन पर तलाक तलाक तलाक, औरत ने खाना अच्छा नहीं बनाया गुस्से में तलाक तलाक तलाक, शौहर पी करके आया उसने गुस्से में तलाक तलाक तलाक, बीवी ने अच्छा दारू के लिए चखना नहीं बनाया तलाक तलाक तलाक, बीवी ने अपनी बेटी को बाप के बिस्तर पर देने से मना कर दी तलाक तलाक तलाक, तो बहू के साथ रेप कर दिया और बीवी ने मतलब उस पर ऑब्जेक्शन किया तलाक तलाक तलाक। तो ये बहुत सारी चीजों से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो रहा था जो बंद हुआ, पर आज भी मौलवी मुल्ला और दारुल उलूम कहता है कि आपके बंद कर देने से क्या होता है, हम तो करवाते हैं, ऐलानिया कर कहता है, और अभी भी मेरे साथ चैनल पे कह रहा था। अब हमारा अल कुरान क्या बोलता है तलाक के लिए, अल कुरान कहता है कि तलाक उस वक्त दो जब औरत को पीरियड्स। अब ये बात क्यों कही गई है, ये बात इसलिए कही गई है ताकि औरत का जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो इस्लाम के हिसाब से पीरियड्स के ड्यूरिंग सबसे ज्यादा होता है। इस्लाम का ऐसा मानना है कि जब औरत पीरियड्स में आती है, मेंस्ट्रुएशन में आती है, तो उसको सेक्सुअल डिजायर कूट कूट के आता है, ये इस्लाम का मानना है, जिसके लिए इस्लाम के मजहबी किताब में बजाफते सूरह अल तलाक बनाया गया है। सूरह 65 ऑफ द कुरान अल तलाक, सूरह 65 ऑफ द कुरान अल तलाक ये बनाया गया है, जिसमें ये साफ लफ्जों में कहा गया है कि अगर औरत को तुम ऐसे बैठे बैठे तलाक दे रहे हो तो वो तलाक नहीं होगा, पहले पता करो कि उसका मेंसुरेशन पीरियड्स का साइकिल क्या है। अब मान लीजिए कि आज है 24 तारीख, आज 24 फरवरी है, 24 फरवरी को मेरा मेंसुरेशन पीरियड हुआ है, तो आज वो मुझे तलाक देगा, उसके बाद फिर एक महीना इंतजार करेगा, फिर 24 मार्च को वो तलाक देगा, फिर एक महीना इंतजार करेगा, फिर 24 अप्रैल को वो तलाक देगा, तब वो तलाक मुकम्मल होगा। अगर मैं अपने इरादे पर स्टक रही कि नहीं ठीक है तुम छोड़ रहे हो तुम छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, और अगर मैंने मेंसुरेशन के पीरियड्स में जो प्रॉफिट के समझ के हिसाब से के मेंसुरेशन के टाइम पर ड्यूरिंग मेंसुरेशन बहुत ज्यादा डिजायर्स आते हैं, अगर मैं उसके साथ हमबिस्तर हो गई तो फिर ठीक है मार कूट करके जैसे रहना है वैसे रहो, अब बाद में सोचा जाएगा तलाक के लिए। जिसमें बहुत बड़ी बात भी लिखी गई है, जौजना का लकी या कूना अलल मोमिनीना वी हैव वी गेव हर
टू यू इन मैरिज सो दैट देयर वुड बी नो ब्लेम ऑन द बिलीवर फॉर मैरिंग द एक्स वाइफ ऑन देयर अडॉप्टेड सन आफ्टर देयर डिवोर्स. ये तो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने अडॉप्टेड चाइल्ड के वाइफ से शादी किया था उसके बाद फिर मैं आपको और भी बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर है. हाँ, ये रहा. मतलब ये कि ये सब कुछ अभी तक असम में, मतलब ये सब कुछ चलता ही आ रहा है. चलता है ये अभी भी सब कुछ चल रहा है असम में, चल रहा है नहीं, ये बाकी जगह हर जगह चलता है. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने इन शांति दूतों और मजहब के ठेकेदारों की जमके बैंड बजाई, क्योंकि इनको रहना तो भारत में है पर भारत के कानून नहीं मानने. तो आपने देखा नाज़िया खान जी ने कैसे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इनकी पूरी तरह से पोल खोल दी और ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब दिया. तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.